मैं उमेश ब्योम टीवी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच हैं डॉक्टर प्रमोद पाठक, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रूप में पूरे देश विदेशों में जाने जाते हैं। सर, आपका सबसे पहले तो ब्योम टीवी में स्वागत जी, है। धन्यवाद। कोविड-19 शब्द सुनते ही कहीं ना कहीं मन अशांत हो जाता है और हम लोग पूरी तरह से स्ट्रेस में चले जाते हैं। सर, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, कोविड-19 के बारे में इतनी जानकारी इकट्ठा हुई है और उसमें से ज्यादातर जानकारी या सारी जानकारी मेरे समझ से नकारात्मक है। तो अब आप समझिए कि इतनी नकारात्मक जानकारी जिस विषय पर हो तो उसका नाम सुनते ही भय हो जाएगा। तो वही भय का माहौल बन गया है और इस भय की वजह से हमारे मन में तमाम तरह की आशंकाएं आती हैं। ये होगा तो वो होगा तो वो होगा। आज का जो हमारा मूल विषय है सर, कोविड-19 के माध्यम से, या फिर कोविड-19 को इसका उपज माना जा सकता है, जिसका नाम है सुसाइड, आत्महत्या। सर, आत्महत्या और कोविड-19, क्या आप इसको रिलेट करके देखते हैं क्या? देखिए, आत्महत्या का जहां तक सवाल है तो आत्महत्या तो मतलब अपने जीवन की लीला समाप्त करने की जो परंपरा है वो पुरानी है समाज में। पहले से भी आपने देखा होगा, हर काल में सुइसाइड होता था और बल्कि सुइसाइड रेट्स बने हुए हैं कि हिंदुस्तान का इतना है, इस देश का इतना है, इस देश का। लेकिन कोविड-19 के दिनों में ये निश्चित तौर पे ये सुइसाइड रेट बढ़ गया है और ये इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब भी इस तरह की कोई परिस्थिति आती है, कोई आपदा आती है जो नियंत्रित नहीं होती है, तो कुछ लोग जो मानसिक रूप से इस पीड़ा को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं वो सुइसाइड का रास्ता अपनाते हैं। जैसे 2008 में जो वो अमेरिका से संचालित जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुई थी उसमें जो नॉर्मल रेट था उससे 5,000 ज्यादा आत्महत्याएं हुई यूरोप अमेरिका में। मतलब आप इसको इस तरीके से कह सकते हैं कि इसका सबसे बड़ा रीजन आर्थिक दृष्टिकोण से? नहीं, आर्थिक दृष्टिकोण से आप में भय आता है लेकिन सुइसाइड आप जब करते हैं वो तो मनोवैज्ञानिक है। तो इसका मुख्य कारण किसको माने सर? सामाजिक को माने या आर्थिक को माने या नहीं, मनोवैज्ञानिक को माने? पहला कारण मैं तो मनोवैज्ञानिक को मानता हूं। उसके बाद सर ये किस ओर भागता है? मतलब ये नहीं, सामाजिक अब रूप अपनाता है वो या? जो मनोवैज्ञानिक परिस्थिति आती है उसके पीछे कुछ कारण होते हैं लेकिन वो कारण कई लोगों में विद्यमान होते हैं। कुछ लोग उन कारणों को झेल जाते हैं और उससे विचलित नहीं होते, कुछ लोग उन कारणों में टूट जाते हैं और इस तरह का जो अतिवादी कदम है वो उठाते हैं। सर, यह अतिवादी कदम उठाने के पीछे किस वर्ग की संख्या सबसे अधिक है? देखिए, मध्यम वर्ग है या जो उच्च वर्ग नहीं है, जो कहाँ देखा? शास्त्रीय शोध है उसमें पहले ये था कि महिलाएं या महिलाओं की संख्या आत्महत्याओं में ज्यादा होती थी जी लेकिन ये कोविड के दिनों में हम लोगों ने इसमें एक बदलाव देखा है और वो बदलाव ये है कि इसमें हर वर्ग के लोग आत्महत्या मतलब कर रहे हैं, ये हमने देखा। यहाँ तक कि छोटे बच्चे भी आत्महत्या कर रहे हैं, 10-12 साल के बच्चे भी कुछ सर, दो एक बच्चे केसेस बच्चे आत्महत्या करने का और कोविड-19 से ये किस तरीके से जुड़ा है? ये इसको मैं इसको इस तरह देखता हूं कि ये जो कोविड-19 का संक्रमण है इसने हमारे जीवन शैली में एक बहुत भारी विध्वंस लाया और उस जी विध्वंस को हम जब एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो हम ये अतिवादी कदम उठा लेते हैं। सभी नहीं उठाते हैं, अब कुछ बच्चे लोग। तो बच्चे सर, यहाँ तक कि अब गार्जियन भी ये कदम उठा रहे हैं। अगर हाँ, कोयलांचल की हम बात करें तो आए दिन अखबार के माध्यम से मुझे जैसा लगता है कि पिछले 3 से 4 महीनों के अंतर्गत 100+ सुसाइड हमारे कोयलांचल, मैंने धनबाद जिलों के आसपास हो गया। तो सर ये क्या कारण रहा होगा? देखिए, आपका ये कहना बिल्कुल सही है कि पिछले 4 महीनों में 100 से ज्यादा आत्महत्या के मामले आए हैं और इसमें एक और भी चीज है कि इन ज्यादातर केसेस में कोई 70% से ज्यादा जो लोग थे वो 35 साल से कम के थे। और अच्छा, हाँ, 35 साल से कम के थे और उन 70% 80% जो भी हो उस संख्या में अधिकतर लोग
ये अपने परिवार की जीविकोपार्जन का साधन थे। तो आर्थिक तो बात, मतलब ये माना जा सकता है कि आर्थिक कारण ही सबसे बड़ा कारण हो सकता है सर? नहीं, आर्थिक फिर वही मतलब हम लोग मिक्सअप कर रहे हैं, आर्थिक कारण नहीं था जी। आर्थिक जो समस्या उभरी उसको कई लोगों को लगा कि अब ये खत्म नहीं होगी, इसका कोई विकल्प नहीं है, मैं कैसे अपने परिवार को मुंह दिखाऊंगा या कैसे अपने परिवार को चलाऊंगा, ये जो आशंका है इसने आत्महत्या का मार्ग उनको बताया। सर, सुशांत सिंह राजपूत एक अभिनेता का नाम आपने अभी सुना, सर उनके पीछे क्या लगता है? अब आप तो अपना आपने अपना उत्तर खुद ही दे दिया। सुशांत सिंह को पैसे की दिक्कत तो नहीं थी? बिल्कुल नहीं। और सुशांत सिंह तो मान लीजिए आज के समय के बॉलीवुड के उभरते हुए कलाकार थे जी। 1962 में हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस थी मार्लिन मुनरो जी, उसने सुसाइड किया था अगस्त के महीने में, जब वो अरबों की संपत्ति उसके पास थी। मतलब इसको पूर्ण रूप से एक मनोवैज्ञानिक स्थिति से जोड़कर, सुसाइड तो मनोवैज्ञानिक ही है जी, पीछे कारण आर्थिक हो सकते हैं, पीछे जैसे पारिवारिक झगड़े में कई बार सुसाइड हो जाता है। अच्छा, और फिर सुसाइड को आप कैसे परिभाषित करते हैं? क्या सर यह एक बीमारी है? बीमारी तो नहीं है लेकिन मानसिक कमजोरी का लक्षण जरूर है। कैसे सर इसको आम आदमी कैसे समझे? मनोविज्ञान में हम लोग बोलते हैं कि कुछ लोग सुइसाइडल टेंडेंसीज यानी सुसाइड करने की रुझान उनके दिमाग में होती है। अगर सर एक बार सुसाइड किया बच गया तो क्या हम ये मान सकते हैं दोबारा भी ऐसा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इसलिए उसको काउंसलिंग की बहुत जरूरत है। मतलब एक प्रॉपर काउंसलिंग हो तो कुछ इसमें कमी आ सकती है? बिल्कुल कमी आ सकती है। सर, जागरूकता के दिशा में क्या कुछ अधिक काम करने की जरूरत है क्या, अगर सुसाइड को रोकना हो तो, या कोई कानून बना दिया जाए? कानून बनाने से तो मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई समाधान निकलेगा जी। लेकिन एक चीज तय है, कानून तो ही है, सुसाइड तो अपराध है भाई जी, सुसाइड तो कानून अपराध ही है, फिर क्या सवाल? वो नहीं, सवाल ये है कि सुसाइड करने वाले को भी वो जो एक क्षण होता है ना, उस क्षण वो निर्णय लेता है, वो क्षणिक आवेग को रोक सके तो सुसाइड रेट्स अपने आप कम हो जाएंगे। अब जैसे आपने कई केसेस में देखा, एक मैंने पढ़ा था कहीं कि कोई आदमी उधर से आ रहा था परिवार के साथ गाड़ी से तेलमच्चो ब्रिज पर जी। और गाड़ी रोका, फिर कुछ किया और फिर पुल पे झाका कूद गया। अब आप एक चीज देखिए कि ये जो घटना है ये एक इशारा करती है कि वो क्षणिक आवेश जो है ना, हो सकता है बहुत लोग सुसाइड प्लान भी करते हैं लेकिन वो प्लान करने के बाद भी जब वो निर्णय लेने घड़ी आती है ना, वो क्षणिक आवेश है, उस क्षणिक आवेश को अगर हम रोक पाए तो सुसाइड रेट घटा सकते हैं। और जो मतलब महत्वपूर्ण बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि सुसाइड तो अन्य कारणों से भी होते हैं, जैसे कई लोग कल्ट फिगर्स यानी जो रिलीजन के नाम पर भी बहुत से सुसाइड हुए हैं अमेरिका में वगैरह में होते थे, सैकड़ों लोग कूद के जान दे देते थे लेकिन वो ना उनको अवसाद था न भय था, वो तो उन्माद में करते थे या अपने जिसको कहते हैं सम्मान की रक्षा के लिए जौहर की परंपरा थी, वो भी सुसाइड ही है ना टेक्निकली। बिल्कुल, लेकिन उसमें ये बात नहीं थी। तो ये सुसाइड का बड़ा व्यापक एक विषय है। सर, एक मेरा निजी सवाल मेरे दिमाग में ये आता है और हमेशा मैं इस चीज को जब भी कहीं अध्ययन करता हूँ तो वही आपके पास आज मैं रख रहा, कि सुसाइड एक व्यक्ति कर लेता है तो कहीं वो दूसरे को प्रेरित करके तो नहीं जाता? होता है, ये भी होता है, क्योंकि आप उसको एक मार्ग सुझाते हैं। जैसे सुशांत सिंह का जो आत्महत्या का मामला था उसमें यही हुआ कि कई लोगों को ये मार्ग मिल गया। जैसे एक और भी चीज है, कई बार क्या होता है जैसे तमिलनाडु वगैरह में देखा गया कोई नेता, बड़ा नेता जैसे एमजी रामचंद्रन जब मरे तो बहुत लोगों ने वो आत्मदाह किया और ये संख्या दिनों दिन बढ़ी क्योंकि लगा कि अरे हमको भी करना चाहिए। एक्चुअली आखिर सुसाइड करने वाला क्या सोचता है सर, एक स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रूप में? फिर वही बात हमने कहा ना आपको, एक तरफ बच्चे का सुसाइड है, दूसरी तरफ हमारे जो छत्राणियों का जौहर का मामला था, तीसरी तरफ वो कल्ट फिगर के सम्मान में सुसाइड था, नेता के मरने पर सुसाइड था, कुछ लोग क्रिकेट या फुटबॉल या क्या कहते हैं हॉकी हारने पर भी सुसाइड कर लेते हैं जी। तो ये कोई एक कारण नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं से ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति है जिसमें आदमी उस क्षण में ये निर्णय लेता है कि मैं अपनी जीवन लीला समाप्त करूंगा। एक
राजजीन आज वर्तमान स्थिति में अपने बच्चे को किस तरीके से मैनेज करे कि उसके परिवार में ईश्वर ना करे कभी भी ऐसा स्थिति खड़ा हो। देखिए आजकल समाज में जो परिवार की स्थिति है ना, उससे भी थोड़ी बहुत दिक्कत आई है। कहीं ऐसा लगता परिवार की परिभाषा बदलती जा रही है सर। हाँ, परिवार अब वो चीज नहीं रहा जब पहले का संयुक्त परिवार थे तो उसमें हम लोग मिलजुल के रहते थे। तो आपको जैसे अब माँ ने पीट दिया तो बेटा दादी के पास चला जाता था, दादी माँ को डांट देती थी, उसका गुस्सा निकल जाता था। अब तो माँ ने पीट दिया तो सुसाइड भी कर लेता है, इम्तिहान में फेल हो गया तो माँ ने डांटा बच्चा सुसाइड कर लेता। पहले क्या होता था, इम्तिहान में फेल होता था, माँ ने डांटा दादी बोलती कोई बात नहीं अगली बार करेगा। ये चीज है। तो परिवार एक संबल का एक कुशन का काम करता था, अब वो एकल परिवार में वो व्यवस्था ही खत्म हो गई। स्ट्रेस मैनेजमेंट किस तरीके से सुसाइड को देखती है? स्ट्रेस मैनेजमेंट जो वर्ड है हमेशा खासकर परेशानियों में तनावग्रस्त स्थिति में वो एक प्रॉपर मैनेजमेंट आता है दिमाग में। क्या करता है? आपके विवेक को कुंद करता है, आपके निर्णय लेने की क्षमता को कमजोर करता है। अब ये तनाव के साथ साथ एक और भी चीज है, गुस्से में भी यही बात होती है। तो ये जो नकारात्मक भावना है, हम लोग इसको कहते हैं नेगेटिव इमोशंस, जो है नेगेटिव इमोशंस से आपके निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। और निर्णय लेने की क्षमता जब प्रभावित होती है तो आप विवेकपूर्ण निर्णय नहीं ले पाते हैं। अब अगर आप बहुत बारीकी से इस पर ध्यान दें तो सुइसाइड भी एक निर्णय है, और यदि हम विवेकपूर्ण ढंग से निर्णय लेंगे तो सुइसाइड नहीं करेंगे। क्योंकि अब आप देखिए, मान लीजिए मैं आपको एक ऐसे ही उदाहरण देता हूं कि जैसे किसी व्यक्ति, जैसे ये धनबाद की जो घटना है कि कोई, मुझे लगता है 35 वर्ष से कम लोगों के, बहुत कम उम्र के बहुत लोगों ने आत्महत्या की हाल फिलहाल 3-4 महीने में। और उसमें इसलिए कि उनको लगा कि वो परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे तो क्या मुंह दिखाएंगे, या वो किस तरह से क्या कहते हैं दुनिया को का सामना करेंगे। अब एक चीज बताइए कि क्या उनके आत्महत्या कर लेने से परिवार की समस्या दूर हो गई? अब तो वो देख भी नहीं पा रहे हैं कि परिवार किस तरह से रह रहा है। ये निर्णय गलत है। और सुइसाइड कुछ भी कह लीजिए एक निर्णय है जो गलत मन स्थिति में लिया जाता है। सर एक अंतिम सवाल आपसे, सुसाइड को कैसे रोका जाए, इसके लिए प्रॉपर क्या एक रास्ता निकल सकता है? सवाल मतलब वाकई कूल है आज के माहौल में। देखिए इसमें 3-4 चीजें हम कर सकते हैं। एक तो सघन जागरूकता। किस तरीके से सर? कि भाई आत्महत्या समाधान नहीं है। अगर आप जो चीज आत्महत्या जिस कारण से कर रहे हैं, क्या आत्महत्या करने से वो कारण दूर हो जाएगी, काउंसलिंग की आवश्यकता है। हमारे यहाँ काउंसलिंग का मैकेनिज्म उतना नहीं है जी। और लोग इस तरह के सवाल में किसी के पास जाने से भी हिचकते हैं। विदेशों में क्या है कि काउंसलिंग की परंपरा है, स्कूलों में है, कॉलेजों में है, यहाँ तक कि प्रोफेशनल काउंसलर्स भी है, लेकिन हमारे देश में उस तरह की परंपरा नहीं है। और वो लोग काउंसलिंग को मानसिक रोग से जोड़ते हैं, और मानसिक रोग आज के तारीख में भी हमारे देश में एक तरह का स्टिग्मा है, लोग बताना नहीं चाहते। तो ये एक दिक्कत है। अब दूसरी समस्या है कि जागरूकता फैलाने के लिए आपको लोगों तक पहुंचना होगा, लोगों से बातचीत करनी होगी। आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है, ये फेसबुक और व्हाट्सएप का दौर है, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। तो मनुष्य का जो समाज विज्ञान की भाषा में हम लोग पढ़ते थे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अब वो सामाजिक प्राणी तो रहा ही नहीं, अब तो सोशल मीडिया का प्राणी हो गया। तो अब इस स्थिति में वो नफीस बात करने से क्या होता है ना, आप अपने दुखों को बांटते हैं। आज आप किसी से बोलिए कि तुम 10 दोस्त के नाम बताओ जिसमें तुम अपने दुख सुख बांट सकते हो, नहीं मिले, उसको स्ट्रगल करना पड़ेगा। अच्छा परिवार में भी इतनी ज्यादा दूरी आ गई है कि भाई भाई से बात नहीं करेगा। पहले क्या था, संयुक्त परिवार में दादी नानी माँ बेटा भाई भाभी सबसे बात करते थे, तो सुसाइड कम होती। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये सब संकट है। तो जागरूकता इस लिहाज से कि आप जो निर्णय ले रहे हैं उस निर्णय से आपकी समस्या का समाधान नहीं होने वाला है, और अगर आप थोड़ा भी हिम्मत रखेंगे तो मार्ग निकल सकता है। बहुत से हमारे यहाँ भी है, बहुत से देशों में तो ज्यादा है, हमारे देश में भी कुछ है लेकिन उतना लोकप्रिय ये प्रयास नहीं किया गया। जैसे जिसको हम लोग बोलते हेल्पलाइन जी, हेल्पलाइन की जो अवधारणा, हेल्पलाइन से काफी हद तक ये समाधान निकल सकता है। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि लोग हेल्पलाइन तक पहुंचे
क्योंकि हेल्पलाइन में आप गुमनाम रह के बात करें। बिल्कुल अपनी हाँ, अपनी समस्या को वहां शेयर करें, हेल्पलाइन से आप अगर शेयर करेंगे, चूंकि आप गुमनाम हैं इसलिए आपको अपने मतलब निजता खोने का भी डर नहीं है, तो आप अगर हेल्पलाइन से बात करेंगे तो बहुत हद तक इसमें कमी आएगी। फिर जो मान लीजिए जिस तरह आपने सवाल उठाया कि साहब आर्थिक तंगी है, इसमें कहीं कोई शक नहीं है, और ये तंगी कई तरह से है, बहुत लोगों के पास बहुत ज्यादा तंगी है, बहुत लोगों के पास कम है, लेकिन आप अगर इसका आंकड़ा निकालेंगे ना तो कोई जरूरी नहीं है कि जो आदमी एकदम से फटेहाल था, आर्थिक तंगी से जूझ रहा था, उसी ने आत्महत्या की है, ऐसा नहीं है। अब सुशांत सिंह राजपूत का आप ही ने उदाहरण दिया जी। तो आत्महत्या तो एक निर्णय है जो एक कमजोर मनस्थिति में, एक गलत मनस्थिति में आदमी लेता है, लेकिन हेल्पलाइन मदद कर सकता है। फिर हम लोग जैसे जो आर्थिक तंगी की समस्या है, अब दिक्कत क्या है कि निम्न जो कहते हैं मध्यम वर्ग के लोग हैं या सामान्य मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनके साथ एक दिक्कत है कि इनको तो 35 किलो चावल भी नहीं लेना है सरकार का, और ये कहीं हाथ भी नहीं फैला सकते, ये अपने को आत्मनिर्भर मानते थे, जैसे टेम्पो चालक हो या कोई छोटे मोटे वेंडर थे, दुकान लगाते थे, ठेला लगाते थे, तो ये आत्म सम्मान से रोटी अर्जित करते थे। अचानक वो मौका इनका खत्म हो गया, अब ये किससे बोलेंगे कि मुझे भाई खाने की दिक्कत है। तो इसके लिए हमें एक दूसरा उपाय खोजना पड़ेगा, जिस तरह आपने देखा होगा हाल फिलहाल के दिनों में जब वो प्रवासी मजदूरों का मामला उठा तो बहुत से लोगों ने आगे बढ़ के उनकी मदद की, इसमें सोनू सूद एक्टर का भी नाम आया, और उसमें आपने एक चीज पता नहीं बारीकी से अध्ययन किया कि नहीं किया, एक बड़ी रोचक चीज थी, क्राउड सोर्सिंग, यानी सारा कुछ खर्च एक ही आदमी नहीं दिया। बिल्कुल, वो बहुत से साइट्स थे, जैसे लॉजिकल इंडियन एक साइट है, उसने काफी हद तक इसे मदद, बिल्कुल, तो क्राउड सोर्सिंग से भी मदद हो सकती है। और तीसरी जो बात है वो ये है कि इसमें थोड़ा बहुत हमको लगता है इंश्योरेंस, जिस तरह हेल्थ इंश्योरेंस है उस तरह एक इस तरह का डिस्ट्रेस इंश्योरेंस किया जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि हेल्थ इंश्योरेंस में आप क्या करते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस के टाइम में जब आप ठीक होते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं तो प्रीमियम देते हैं, और जब बीमार पड़ते हैं तो आपको इंश्योरेंस कंपनी पैसा देती है। बिल्कुल, उसी तरह की कोई व्यवस्था हो सकती है कि जब आप कमा रहे हो, जैसे भाई बहुत सा स्कीम है भी इस तरह, बिल्कुल, तो इसको थोड़ा सा हमें लोकप्रिय बनाना पड़ेगा, प्रचलित करना पड़ेगा, कि इससे भी काफी हद तक, मतलब हम देखिए जीरो नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारा तो उद्देश्य है कि कम से कम, बिल्कुल, एक का भी इंसान का अगर जीवन बचा सकते बड़ी बात है साहब, और इसमें समाज को भी कुछ करना पड़ेगा। अभी समाज के साथ दिक्कत क्या है कि समाज ये सोच रहा है कि अगले की दिक्कत है, मैं कुछ और बचा लूं ताकि मुझे दिक्कत ना, ये गलत सोच है। अभी आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई दाल भात चोखा, हम भी अपनी आवश्यकताओं को कम करें और अपने बगल अगल वाले की थोड़ी मदद करें। यानी जो एक बहुत पहले बड़ा बढ़िया एक नारा था, वो जब प्रौढ़ शिक्षा का दौर चला था तो वो नारा था ईच वन टीच वन, यानी हर आदमी एक दूसरे को पढ़ाए। आज का नारा होगा ईच वन फीड वन, यानी हर आदमी दूसरे की भोजन पानी की व्यवस्था करे, और ऐसे बहुत से लोग हैं जो कर सकते हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग मिनिमाइज करेंगे इसको, और वही हमारा लक्ष्य है। धन्यवाद सर, आप व्योम टीवी पर आए और इतनी सारी जानकारी स्ट्रेस मैनेजमेंट एक्सपर्ट के रूप में आपने रखा, और मैं आशा करता हूं कि इस एपिसोड को देखकर जहां तक हो सके अगर एक व्यक्ति का भी जीवन हम लोग बचा सकते हैं तो हम लोगों का प्रयास बिल्कुल सफल होगा। धन्यवाद सर आपका। थैंक यू।